फिजिक्स 50 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 13 देखेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस लॉ डिटेल में और गॉस लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम लोग लेक्चर 11 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़े थे। इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सरफेस कुछ इस तरह से है आपका, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं डी फाई इक्वल टू, यहाँ पे स्मॉल एरिया वेक्टर के कारण फ्लक्स कितना होगा, ई डी ए कॉस थीटा। छोटा सा सरफेस एरिया डी ए के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई, तो पूरा सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई कांस्टेंट है और कॉस थीटा भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे थीटा का वैल्यू सेम होगा। यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे यदि हम लोग कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस ओर, तो यहाँ पे थीटा, इस पॉइंट पे लीजिएगा यहाँ भी थीटा ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे ई और कॉस थीटा को बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। जब डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा ए, तो आपका हो जाएगा ई कॉस थीटा ए, इसको लिखेंगे हम लोग ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा हटेगा तो डॉट आएगा, तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर फाई इक्वल टू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग लेक्चर 11 में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग गॉस लॉ के बारे में देखेंगे। गॉस लॉ की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अनुसार किसी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, उसके अंदर जो चार्ज है उसको जब हम लोग 1/ε0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए किसी क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है, यदि उस क्यू चार्ज को 1/ε0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को फ्लक्स मिल जाएगा। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस ए इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। किसी सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसको जब हम लोग 1/ε0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक स्फीयर है और इसके अंदर एक चार्ज क्यू है सेंटर पे। यहाँ पे हम लोग एक स्मॉल एरिया लेते हैं, हम लोग जानते हैं एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा आउटवर्ड नॉर्मल होगा, डी ए ले लीजिए, और इस चार्ज क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा। अब इस क्लोज सरफेस के कारण जो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू वो क्यू इनसाइड, इसके अंदर जो चार्ज है, बाय ε0। हम लोग उसके अंदर जो चार्ज है उसको जब 1/ε0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स मिल जाएगा। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फ्लक्स इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब हुआ हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय ε0। अब यहाँ पे देखिए, इस क्यू चार्ज के कारण
इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आर डिस्टेंस पे कितना होगा, ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं के इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ई और डी ए का डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना लीजिएगा, 0। अब इस स्मॉल एरिया के कारण जो फ्लक्स होगा डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, तो डी फाई इक्वल टू निकल जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। फिर मिटा देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एरिया डी ए के कारण फ्लक्स कितना निकला, डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं कितना फ्लक्स होगा, इस तरह से इस पॉइंट पे भी हम लोग निकाल सकते हैं कितना फ्लक्स होगा। इस तरह से स्फीयर के प्रत्येक पॉइंट पे डी ए एरिया के कारण फ्लक्स निकाल के हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल स्फीयर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या भाई को इंटीग्रेट कर देंगे तो आराम से फ्लक्स निकल जाएगा टोटल। तो हम लोग डी फाई को इंटीग्रेट करते हैं, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब हुआ हम लोग क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रत्येक पॉइंट के लिए ई और डी ए का डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना लीजिएगा, 0 डिग्री लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ई का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्क्वायर, इसको पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डी ए और आपका कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सब पॉइंट के लिए इक्वल होगा क्योंकि देखिए प्रत्येक पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस जो है आर है तो ई का वैल्यू सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ए कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिए क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि हम लोग स्फीयर का एरिया देखते हैं तो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा तो फाई इक्वल टू कितना निकल जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही था फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यदि हम लोग इस स्फीयर का रेडियस बढ़ा दें तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा ये देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग इस स्फीयर का रेडियस को बढ़ा दिए, अब देखिए सेकेंड स्फीयर के कारण देखेंगे तो उसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू ही है, तो फ्लक्स उससे भी उतना ही निकलेगा। थर्ड स्फीयर के कारण भी देखेंगे तो उसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू ही है, तो फ्लक्स जब निकालेंगे क्यू इनसाइड कितना लेंगे, क्यू लेंगे, उस केस में भी फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है साइज पे डिपेंड नहीं करता, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डू नॉट डिपेंड अपॉन साइज
साइज ऑफ क्लोज सरफेस मतलब क्लोज सरफेस का साइज कुछ भी हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे शेप पे डिपेंड करता है या नहीं करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक क्यूब है, इसके अंदर चार्ज क्यू है, एक स्फीयर है, इसके अंदर भी चार्ज क्यू है, और एक सिलेंडर है, इसके अंदर भी चार्ज क्यू है। अब यहाँ पे देखिए इस क्यूब के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं गॉस लॉ से क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कितना है, क्यू है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी देखिए क्यू इनसाइड कितना है, क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ क्लोज सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्लोज सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके अंदर कितना चार्ज है उस पे डिपेंड करेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे यदि क्लोज सरफेस के बाहर में इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब यहाँ पे एक स्फीयर है और चार्ज इसके अंदर नहीं बाहर है। अब इस क्लोज सरफेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो गॉस लॉ लगाएंगे तो गॉस लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है नहीं, क्यू इनसाइड कितना है जीरो, तो जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम लोग इस तरह से समझते हैं जैसे हम लोग पढ़े थे फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है। देखिए इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड बाहर की ओर होगा। इस सरफेस पे डी ए का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, डी ए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है क्योंकि हम लोग जानते हैं क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल हम लोग कंसीडर करते हैं, अंदर नहीं करते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की ओर करते हैं। तो इस पॉइंट पे देखिए आउटवर्ड नॉर्मल किधर होगा, बाहर की ओर होगा, अंदर वाला लेना नहीं है। तो यहाँ पे डी ए का डायरेक्शन इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इसको वन मान लीजिए सरफेस वन और इसको टू मान लीजिए। ये पूरा आपका एक स्फीयर है, इस पर थोड़ा सा हम लोग छोटा सा एरिया डी ए कंसिडर किए हैं और यहाँ भी डी ए कंसिडर किए हैं, इसको नाम टू दिए, इसको वन दिए। तो इस पॉइंट पे हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, फाई वन कितना हो जाएगा सरफेस वन के कारण, ई डॉट डी ए ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस जीरो, यानी ये आपका पॉजिटिव निकलेगा।
अब सरफेस टू के कारण निकालिएगा तो फाई टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा इसके लिए कितना होगा, देखिए ध्यान से, ई का डायरेक्शन इधर और डी ए का डायरेक्शन इधर, एंटी पैरेलल है दोनों, तो 180 हो जाएगा ई डी ए कॉस 180, तो ये आपका निगेटिव होगा। देखिए यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव हुआ और यहाँ पे निगेटिव, तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इस तरह हर एक पॉइंट पे देखेंगे और ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, जीरो। तो गॉस लॉ लगाए उस समय भी जीरो आया, और ऐसे हम लोग इससे फार्मूला से भी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए भी लगाए उसमें भी फ्लक्स आपका जीरो आ रहा है। अब एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक क्यूब है इसके अंदर चार्ज क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, बाहर में क्यू फोर माइनस क्यू फाइव प्लस क्यू सिक्स माइनस क्यू सेवन प्लस क्यू एट प्लस क्यू नाइन। अब बोल रहा है इस क्यूब के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, कितना बाहर निकलेगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई इक्वल टू क्यू इन साइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्यू इन साइड लेना है, क्लोज सरफेस के जो बाहर चार्ज है उसको कंसिडर नहीं करना है, इसके अंदर जो चार्ज है उसी को लेना है। तो कौन कौन सा चार्ज है, क्यू वन है, क्यू वन प्लस, फिर क्या है माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू एट प्लस क्यू सिक्स भी है और क्यू एट है, तो पांच ठो चार्ज अंदर में है तो पांच ले लिए हम लोग बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। लेकिन जब हम लोग फॉर्मूला फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वहाँ पे एरिया डी ए होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे भी एरिया डी ए लीजिएगा, फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा, सब पॉइंट पे निकाल के ऐड कीजिएगा, तो उस समय भी फ्लक्स हम लोग निकाल सकते हैं, उस केस में भी निकाल सकते हैं, उस तरह भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उस केस में ई जो होगा किस चार्ज के कारण होगा, ये हम लोग को यहाँ पे देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई बस इस चार्ज के कारण होगा या बस इस चार्ज के कारण होगा या टोटल चार्ज के कारण होगा। यहाँ पे जो ई होगा वो टोटल चार्ज के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग गॉस लॉ लगाते हैं तो चार्ज सिर्फ अंदर वाला कंसिडर करते हैं, लेकिन जब ई डॉट डी ए लगा के इस्तेमाल करते हैं तो ई जो होगा वो टोटल चार्ज, अंदर वाला और बाहर वाला टोटल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग लेंगे। इसके बाद हम लोग कंडीशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे, किस कंडीशन में गॉस लॉ लगा सकते हैं और किस कंडीशन में गॉस लॉ नहीं लगा सकते। एक और छोटा सा प्रॉब्लम इस पर पूछता है, यदि मान लीजिए किसी क्लोज सरफेस के अंदर एक डायपोल को रखा गया है, डायपोल जानते हैं आप लोग, इक्वल मैग्नीट्यूड में और साइन में अपोजिट चार्ज जब बहुत छोटा डिस्टेंस के बीच रखते हैं उसको डायपोल बोलते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू स्मॉल डिस्टेंस के बीच रखते हैं तो उसको डायपोल बोलते हैं। अब इस डायपोल को इस क्लोज सरफेस के अंदर रखा गया है, आपसे पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से निकलेगा, तो आप कैसे निकालिएगा, गॉस लॉ लगाइएगा, फाई इक्वल टू क्यू इन साइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्यू इन साइड कितना है, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू,
बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो निकल जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐड कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस क्यूब से, जीरो होगा। अब चलिए कंडीशन ऑफ गॉस लॉ देखते हैं हम लोग। कंडीशन ऑफ गॉस लॉ, मतलब हम लोग किस कंडीशन में गॉस लॉ लगा सकते हैं, ये हम लोग चार पांच पॉइंट देखेंगे इसमें। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ई मस्ट बी इक्वल और कॉन्स्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सरफेस, मतलब गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। जैसे हम लोग पिछला केस में देखे, जैसे एक स्फीयर था और पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखे थे हम लोग, सेंटर पे रखे थे, तो इस गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे ई का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर, तो यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब उस केस में हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे जहाँ पे गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। सेकंड है द क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज, मतलब गॉसियन सरफेस जो है वो चार्ज के सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब इस चार्ज से प्रत्येक पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। या फिर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मान लीजिए एक रड है, इस पर चार्ज क्यू क्यू है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस हम लोग बनाएंगे, इसको ढकने के लिए क्या चाहिए, एक सिलेंडर चाहिए, ये जो गॉसियन सरफेस है यहाँ पे ये सिमेट्रिक होना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एकदम बीच में होना चाहिए और इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। देखिए तीसरा केस देखते हैं हम लोग। तीसरा केस है गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज, मतलब गॉसियन सरफेस किसी पॉइंट चार्ज को काटते हुए हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस इस तरह से ड्रॉ नहीं करेंगे, ये चार्ज उसके अंदर होना चाहिए इस तरह से। अगला केस है द एंगल थीटा बिटवीन ई एंड ए मस्ट बी इक्वल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ क्लोज सरफेस, मतलब ई और ए के बीच जो एंगल होगा वो गॉसियन सरफेस के या क्लोज सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जैसे एक स्फीयर हम लोग लिए थे, पॉइंट चार सेंटर पे है, तो इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की ओर और ई का भी डायरेक्शन बाहर की ओर, तो थीटा कितना है, जीरो डिग्री। इस पॉइंट पे भी देखिए आप, दोनों का डायरेक्शन एक ही ओर होगा। इस पॉइंट पे भी देखिए, ई का भी डायरेक्शन इधर, ए का भी डायरेक्शन इधर, मतलब गॉस लॉ हम लोग वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग गॉस लॉ पे। एक हेमिस्फीयर है और
और इस पॉइंट पे चार्ज क्यू रखा गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है इस हेमिस्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। क्योंकि ये आपका क्लोज सरफेस नहीं है इसलिए हम लोग गॉस लॉ यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज सरफेस हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो ऊपर हम लोग ले लेते हैं एक और हेमिस्फीयर, ये आप क्लोज सरफेस बन गया। तो इस क्लोज सरफेस के कारण फ्लक्स कितना होगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड कितना है, क्यू है, तो ये आपका हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस आधा स्फीयर के कारण फ्लक्स कितना होगा, फाइव बाई टू हो जाएगा और इसके कारण फाइव बाई टू, तो हम लोग को आधा के कारण ही पूछा है। तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, उसको हाफ कर देना है। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं इस पर हम लोग। मान लीजिए एक सेमी सिलेंडर है, इसका लेंथ दिया हुआ है एल बाई टू और यहाँ पे चार्ज रखा गया है क्यू। अब इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है और हम लोग जानते हैं कि चार्ज को उस क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे तो ऊपर में है, इसके अंदर तो है नहीं। तो हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं, एक और सेमी सिलेंडर बना लेते हैं इसके ऊपर, अब देखिए ये चार्ज आपका सेंटर में आ गया, तो इस टोटल के कारण कितना होगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और हम लोग को चाहिए हाफ सिलेंडर के कारण, तो कितना हो जाएगा, सेमी सिलेंडर के कारण इसका हाफ मतलब क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। एक और प्रॉब्लम देखिए इस पर, इस फेस से ए बाय टू डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू को रखा गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है इस फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये तो आपका क्लोज सरफेस है नहीं, जो हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे, तो इसको क्लोज सरफेस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक क्यूब बना सकते हैं, इतना लेंथ का साइड होना चाहिए उस क्यूब का। देखिए ये आपका क्लोज सरफेस बन गया, अब इस क्यूब के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, हम लोग जानते हैं गॉस लॉ से क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको इस फेस के कारण, एक फेस के कारण चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो एक क्यूब में कितना फ्लक्स, कितना फेस होता है, एक इधर एक दो तीन चार पाँच छः होता है, तो एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसमें हम लोग।
क्यूब के अंदर एक चार्ज क्यू रखा गया है। और आपसे इस फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाइंड आउट करने बोल रहा है, और इस फेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है। इसका नाम दे दीजिए वन, इसका नाम दे दीजिए टू। फेस वन और फेस टू से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हम लोग गॉस लॉ लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये आपका एक क्लोज सरफेस है, तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फेस वन फाई वन कितना हो जाएगा, कितना फेस है इसमें देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छः फेस होता है, तो फाई वन इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से फाई टू भी निकालेंगे हम लोग कितना होगा, क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट। पिछला वाला केस में क्या था, इससे आपका ए बाय टू डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा गया था क्यू। ये चार्ज चूंकि क्लोज सरफेस के अंदर नहीं था इसलिए हम लोग क्या किए, पहले एक क्यूब बना लिए, इसको क्लोज सरफेस बना लिए, फिर गॉस लॉ लगाया। यहाँ पे क्या है कि ये चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है तो हम लोग आराम से गॉस लॉ लगा सकते हैं। इसमें क्या किए थे हम लोग, ये साइड दिया हुआ है इसका ए, तो ए साइड का एक क्यूब बनाएंगे ताकि ये चार्ज उसके अंदर चला जाए। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका ए है, ये पोर्शन कितना है ए बाय टू, तो ये भी आपका ए बाय टू हो जाएगा। तो देखिए चार्ज आपका सेंटर में आ गया, अब क्योंकि चार्ज सेंटर में है तो हम लोग गॉस लॉ लगा सकते हैं, तो कितना होगा इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कितना फेस है, एक ये वाला हो गया आपका, एक इधर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया, वन टू साइड वाला, फिर एक बाहर वाला, थ्री एक नीचे वाला, फोर एक इधर वाला, फाइव और एक अंदर वाला, सिक्स। टोटल कितना फेस है, सिक्स। इससे आप समझ सकते हैं आसानी से, इसे मान लीजिए इसको क्यूब मान लीजिए तो कितना फेस होगा इसमें, एक इधर वाला हो जाएगा, एक इधर वाला दो तीन, और एक इधर अंदर वाला चार पाँच, और एक नीचे वाला छः होगा। तो टोटल फ्लक्स हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस के कारण कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सिक्स से डिवाइड कर देंगे तो क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसिडर करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही गॉस लॉ लगा सकते हैं आप। इसके बाद हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस पर। अब एक क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज को रखा गया है और आपसे पूछ रहा है इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। इस कॉर्नर पे एक चार्ज क्यू को रखा गया है और आपको इस क्यूब के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। देखिए ये चार्ज आपका इस क्यूब के अंदर नहीं है तो हम लोग गॉस लॉ इस लगा नहीं सकते हैं, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्लोज सरफेस मानना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से साइड में एक ठो क्यूब लगाएंगे, फिर इसके ऊपर एक ठो और क्यूब लगाएंगे, फिर इस पर एक क्यूब लगाएंगे,
तो तीन क्यूब यदि हम लोग लगा दिए कि इसके ऊपर, इसके साइड में, इसके ऊपर, तो इस साइड से पूरा आपका चार्ज ढक जाएगा, लेकिन अंदर से तो खाली रह जाएगा, उधर से भी आपको चार क्यूब लगाना पड़ेगा। इसको इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए आपका ये क्यूब है, ये वाला क्यूब है, और इस पॉइंट पे एक चार्ज क्यू रखा गया है, और इससे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग इसके साइड में एक लगाएंगे क्यूब, इसके ऊपर में भी एक क्यूब लगाएंगे, और इसके ऊपर एक लगाएंगे, इसके ऊपर तीन क्यूब लगा दिए हम लोग। देखिए इस पे था चार्ज आपका। अब हम लोग क्या किए, इसके साइड में एक क्यूब लगाए, इसके ऊपर में लगाए। अब देखिए इधर से पूरा ये चार्ज आपका यहाँ पे सेंटर में है, बीच इस जगह है, इधर से ढक गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर से भी चार क्यूब लगाएंगे। इस तरह से बीच में चार्ज आ जाएगा और ये क्लोज सरफेस बन जाएगा। इसको एक बड़ा सा क्यूब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसको इस तरह से बनाइए, इसको साइड में एक क्यूब बनाते हैं। देखिए ये पहले क्यूब था आपका, इसके कॉर्नर पे एक चार्ज क्यू था, इसके साइड में एक क्यूब बनाए, इसके ऊपर में भी एक क्यूब बनाए, और जो क्यूब आपका दिया हुआ था उसके ऊपर भी एक क्यूब बनाए। तीन क्यूब हम लोग आप इस तरह रख दिए, तो ये चार्ज आपका इधर से पूरा ढक गया। अब उस साइड से भी तो ढकना है, उस साइड से चार क्यूब लगाइएगा, तो ये जो आपका चार्ज है एकदम सेंटर में आ जाएगा, इस बड़ा वाला क्यूब के अंदर में आ जाएगा। मतलब 1 2 3 4 क्यूब यहाँ है और चार क्यूब इसके पीछे है, टोटल 8 क्यूब आपका एक बड़ा सा क्यूब बन गया। इसके कारण कितना होगा फ्लक्स, फाई थ्रू 8 क्यूब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये 8 क्यूब मिलके एक बड़ा सा क्यूब बना है, उसके कारण फ्लक्स कितना निकला, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकला। लेकिन आपको चाहिए बस 1 क्यूब के कारण जो दिया हुआ था, ये वाला क्यूब नंबर 1, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब इस वाला के कारण, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नोट। ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि इस क्यूब के एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, जैसे मान लीजिए ये वाला फेस से पूछ दिया आपसे, तो एक क्यूब के कारण हम लोग निकाल लिए कितना, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। और एक क्यूब के अंदर कितना फेस होता है, 6 फेस होता है, तो यदि हम लोग इसको 6 से डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 कीजिएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा, क्यू बाय 48 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 फेस बाहर में है, 3 फेस अंदर में है। इसमें सोचिए इस क्यूब के बारे में, ये फेस तो आपका नीचे की ओर है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये वाला फेस भी साइड है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला फेस जो बोर्ड से बाहर है ये भी आपका बाहर की ओर है, ये वाला जो है, 3 फेस आपका बाहर है जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। लेकिन इसका जो 3 गो और बच गया, एक ये वाला, इधर वाला, ये वाला, तो इस क्यूब से ढका हुआ है, इससे तो फ्लक्स निकलेगा नहीं, इसके कारण हम लोग नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार जब हम लोग इस ऊपर वाला के बारे में बात करेंगे, तो ऊपर वाला क्यूब से ढका हुआ है, उससे भी कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, और जो अंदर में है, इस बोर्ड के अंदर में जो है साइड, ये वाला जो फेस है, ये वाला भी अंदर वाला क्यूब से ढका हुआ है। मतलब ये मान लीजिए क्यूब है आपका, तो ये वाला फेस नीचे वाला से निकलेगा, ये वाला से निकलेगा, इधर वाला से, और ये वाला से निकलेगा, बाकी ये वाला साइड वाला से ढक जाएगा, साइड वाला से ढक जाएगा, ऊपर वाला भी ऊपर वाला क्यूब से ढक जाएगा,
और पीछे वाला, ये वाला पीछे वाला भी पीछे वाला क्यूब से ढक जाएगा, मतलब तीन फेस से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। ये प्रत्येक वाला में होगा। इस केस में भी आप सोचिएगा तो ये वाला बाहर की ओर है, ये वाला बाहर की ओर है, और एक हो गया दो और एक बाहर वाला, तीन ठो। बाकी इसका एक वाला ढक गया, ऊपर वाला से ढक गया, और पीछे वाला क्यूब से ढक गया। इस तरह प्रत्येक वाला में तीन तीन जो है आपका क्या होगा, तीन से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तीन से नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्यूब के एक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इसको थ्री से डिवाइड करेंगे, सिक्स से डिवाइड नहीं करेंगे। इस केस में ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना हो जाएगा, क्यू एट एप्सिलॉन नॉट इंटू थ्री, तो हो जाएगा आपका क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक कॉन के वर्टेक्स पे एक चार्ज क्यू को रखा गया है। अब आपको फाइंड आउट करना है इस कॉन से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। और इस केस में चार्ज आपका कॉन के अंदर में है, इनसाइड है, उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो हम लोग लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस किए थे किसी डिस्क या कॉन से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा यदि उसके वर्टेक्स पे चार्ज को रखा गया है। तो हम लोग पढ़े थे जो इससे फ्लक्स होगा फाइ इक्वल टू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है आपका, सेमी वर्टिकल एंगल है। लेकिन इस केस में क्या होगा, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि देखिए ये चार्ज अंदर में है तो इससे जो भी फ्लक्स होगा इस कोण से बाहर निकलेगा। लेकिन इस केस में क्या है, चार्ज इसके वर्टेक्स पे है तो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सारा का सारा फ्लक्स इससे पास नहीं करेगा। एक पूरा स्फीयर मानिए, स्फीयर का एक छोटा पार्ट ये आपका कोण है, उससे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, बाकी तो इधर बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे फाइ इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये डेरिवेशन हम लोग पिछला लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। अब एक और प्रॉब्लम इस पर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक सिलेंडर है और इसके सेंटर में एक चार्ज क्यू को रखा गया है और आपसे पूछा है इसमें कि ये जो कर्व सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। समझिए इससे, जैसे ये सिलेंडर है आपका तो ये कर्व सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा बाहर, वो आपको फाइंड आउट करना है। ये ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट से आपको नहीं पूछा गया है, ये वाला पार्ट से जो फ्लक्स निकलेगा उसको हम लोग को हटाना है और ये नीचे वाला से जितना निकलेगा उसको हटाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे और ये वाला और ये वाला सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए इस चार्ज के कारण ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स और इससे बीच में जितना भी फ्लक्स इससे क्रॉस करेगा इसके बीच में उसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। और ये वाला डिस्टेंस दे दिया है आपका R और ये डिस्टेंस भी आपका R है। इसी तरह से नीचे वाला में भी इन दोनों पॉइंट के बीच से जितना फ्लक्स निकलेगा हम लोग इसको हटा देंगे।
ये एंगल सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, और यहाँ भी हो जाएगा आपका थीटा, ये भी आर है, ये वाला डिस्टेंस भी आपका आर दिया हुआ है। चलिए, इस कोण के कारण हम लोग पिछला डेरिवेशन में, पिछला क्लास में देख चुके हैं, फाई इक्वल टू क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, थीटा निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी, थीटा के सामने वाला ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो ये वाला आर है, ये भी आर है, थोड़ा सा छोटा बनता है। तो टेन थीटा इक्वल टू आर बाय आर, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वन इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। पुट कर दीजिए इसमें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कौन कितना निकल जाएगा, Q बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस 45 डिग्री, तो हो जाएगा Q बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस 45 कितना होगा, वन बाय रूट टू। तो एक कोण के कारण फ्लक्स इतना निकला, तो दो कोण के कारण कितना निकलेगा, टू से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टू इंटू क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस वन बाय रूट टू, ये टू टू कट जाएगा, तो आपका निकल गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट वन माइनस वन बाय रूट टू। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा, ये तो हम लोग निकाल लिए दोनों कोण के कारण कितना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, गॉस लॉ लगाएंगे, क्यू इनसाइड कितना है, क्यू है बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर माइनस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बोथ कोण, दोनों कोण के कारण जिसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण पुट किए और दो कोण के कारण कितना निकला है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट वन माइनस वन बाय रूट टू, तो ये हो जाएगा आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस, ये जाके अंदर इसको प्लस कर देगा, ये q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस q बाय रूट टू एप्सिलॉन नॉट, ये आपका कट जाएगा प्लस और माइनस में, तो निकल गया आपके यहाँ पे q बाय रूट टू एप्सिलॉन नॉट। आसान है, बस देखना है कि किस पार्ट के कारण चाहिए और किस पार्ट के कारण नहीं चाहिए, जिस पार्ट के कारण नहीं चाहिए उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। एक लास्ट प्रॉब्लम लेंगे, इस पॉइंट पे एक चार्ज Q रखा गया है और आपको कर्व्ड सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, मतलब इस पोर्शन से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है इसको छोड़ के यहाँ से यहाँ तक कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो फाइंड आउट करना है। ये वाला दिया हुआ है डिस्टेंस, ये है आपका, इसका रेडियस आर है, और ये वाला डिस्टेंस डी है। आपको क्या करना है, इस चार्ज के कारण ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स,
और इसके बीच में जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन बन रहा है आपका, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, सेमी वर्टिकल एंगल। तो हम लोग पहले इस कॉन के कारण फ्लक्स कितना होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं। पिछला डेरिवेशन में सीखे थे पिछला क्लास में, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे आपको कॉस थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा कितना होगा, बी बाय एच होगा। तो कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने वाला क्या होगा, पी होगा, ये बी हो जाएगा, यानी आपका ये डी हो गया बेस, और हाइपोटेनस एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको हम लोग ले लेंगे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस डी बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ लगाएंगे, इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू है। अब हम लोग को निकालना है इस कर्व्ड सरफेस के कारण। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इक्वल टू टोटल फ्लक्स माइनस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कौन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा की जगह कितना आ गया था, डी बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट डी बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए q बाय एप्सिलॉन नॉट है और q बाय टू एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, q बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस, माइनस प्लस हो गया था यहाँ पे, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट डी बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस निकल गया। आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।